everyone, so welcome to my channel. I am back with another video on this channel. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो आज की वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बर्थडे डेकोरेशन घर पर कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बर्थडे टैग कैसे बनाया जा सकता है घर, बिल्कुल मार्केट पीस होता है जैसे मार्केट में मिलता है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मैं वही आपको बनाना सिखाऊंगी घर पर बिल्कुल लो बजट में। देन हम बर्थडे कैप कैसे बना सकते हैं घर पर ही। तो बर्थडे कैप बनाना बहुत ईजी है और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस चीज़ से बर्थडे कैप बनाने वाली हूँ। तो हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें चाहिए सीजर, फेविकोल, ब्लैक चार्ट पेपर, ओके, देन साड़ी बॉक्स। साड़ी बॉक्स अगर आपके पास सिल्वर कलर में हो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज और भी कोई कलर होगा तो भी चलेगा, लेकिन सिल्वर कलर का अगर आपके पास साड़ी बॉक्स मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। एकदम मार्केट पीस जो होता है ना बर्थडे डेकोरेशन के लिए, मैं बिल्कुल आपको वो बताने वाली हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ ओल्ड कैप के ऐसे झल्लर होंगी, जो भी आपके पास झल्लर हो वो झल्लर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट से भी ले सकते हैं, थोड़ा तो पैसा भी खर्च करना पड़ता ही है ना। तो चार्ट वगैरह यूजुअली हमारे पास होते ही हैं। तो चलिए मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करती हूँ, बहुत इजी रहने वाला है सब कुछ बनाना और बिल्कुल इकोनॉमिकल। चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चार्ट पेपर लेना है और जिस तरीके से मैं फोल्ड करी हूँ उसी तरीके से उसे फोल्ड करना है और फोर साइड से सीजर की हेल्प से कट कर लेना है, क्योंकि जब हम एक साथ सभी को कट करेंगे तो सभी के साइज सिमिलर रहेगा, इसलिए सभी को एक साथ ही कट करना है। और जो बाकी के पीसेस बचे, क्योंकि लेटर्स अगर बचते हैं तो इन्हीं को मतलब ऊपर रख करके सेम साइज़ का हमें बाकी पीसेस भी कट करने हैं। जैसे ही हम ये कट कर लेंगे हमारे पेपर, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम पंचिंग मशीन की हेल्प से इनमें होल करेंगे। सभी पीसेज में हमें होल करने हैं, दो होल करेंगे जिससे कि पंचिंग मशीन मेरे पास जो है उससे एक साथ दो होल हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो एक सिंगल होल के लिए यूज़ होती है वो है तो उससे भी कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पंचिंग मशीन से सभी पीसेज में होल कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हैप्पी बर्थडे वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को हमें इन पीसेस पर पेस्ट कर लेना है। मैंने सभी पहले से ही कट कर कर रखे हुए थे, आप भी अपने कट कर लेना, आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने सारे लेटर्स बना लिए, अब हम किसी भी रिबन या कोई भी आपके पास थ्रेड हो उसकी हेल्प से इन सबको अटैच कर लेंगे। आप देख लीजिएगा मैंने कैसे अटैच किया है और आप देखिए कितना ईजी है बर्थडे टैग बनाना। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना, और अगर आप ट्राई कर रहे हो, आप रिक्रिएशन कर रहे हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी। तो ज़रूर ट्राई करना बर्थडे टैग बनाना। और नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं बर्थडे कैप, जो कि काफ़ी कूल आइडिया है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। आप लोग सोच रहे हो कि इनिशियली मैंने ये क्यों बोला कि साड़ी बॉक्स से ही कैप बनाएंगे, क्यों मैंने इसलिए बोला कि सिल्वर कलर का पेपर सबके पास घर पे मिले ना मिले, लेकिन साड़ी बॉक्स सबके घर पर होता है। तो कैप बनाने के लिए हमें शीट को ओपन कॉनिकल शेप में कट करना है, उसके बाद जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद स्टेपल का यूज़ करना है, और फिर ऊपर की तरफ हमारा स्टेपलर नहीं जा पाता तो वहाँ पर हम सेलो टेप या फेविकोल का यूज़ करके उसे पेस्ट कर लें। सेलो टेप से पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ओल्ड कैप की झल्लर्स हो या फिर कोई भी झल्लर कुछ भी आपके पास हो, आप उसे नीचे बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम झल्लर को, मेरे पास ओल्ड कैप की झल्लर रखी थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैं अगर आप चाहते हो कि झल्लर भी बनाना सिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पर ही हम कैप के लिए झल्लर कैसे बना सकते हैं। तो हमें ऐसे स्टेपलर की हेल्प से क्या करना है, झल्लर को नीचे यूज़ करना है और पेस्ट कर लेना है। और जैसे ही हम इसको झल्लर को पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है,
हमारे पास जो इलास्टिक होता है, रबर जो होता है, उस रबर का यूज़ करना है, और रबर को भी हम स्टेपलर की हेल्प से ही अटैच करने वाले हैं। जब तक मैं रबर को अटैच कर रही हूँ, तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारा बर्थडे कैप बनकर बिल्कुल तैयार। आपने सोचा था एक साड़ी बॉक्स से हम अपना बर्थडे कैप भी बना सकते हैं? तो कूल है ना ये आइडिया? तो अगर आइडिया पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि बिल्कुल मार्केट पे जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है हमारा बर्थडे कैप एंड ये हमारा बर्थडे टैग, तो दोनों कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए ना आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अभी के लिए बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।